बिल्कुल रनिंग फर्क पड़ता है। पेट्रोल का प्राइस जो बढ़ा जा रहा है उसको कंट्रोल तो करना ही चाहिए। अब कैसे कंट्रोल करेंगे अगर हम उसको यूज़ टू हो जाएंगे धीरे धीरे। जैसे अभी इलेक्शंस थे तो थोड़ा पेट्रोल का दाम कम कर दिया, फिर उसको वापस बढ़ा दिया। अदर इतनी चीज़ों में सब्सिडीज़ देती है तो पेट्रोल में सब्सिडीज़ क्यों नहीं दे सकती? पानी फ्री दे सकती है, बिजली फ्री दे सकती है, हर चीज़ के लिए फ्री है, तो पेट्रोल के लिए क्यों नहीं है? हर चीज़ में जीएसटी लगा रहे, पेट्रोल में क्यों नहीं जीएसटी लगा रहे? जो हमारे जो पेट्रोल के मालिक हैं वो इसमें अपना प्रॉफिट कमाते हैं इतना ज़्यादा, 40-50 रुपये लीटर पेट्रोल लेके, और इतना ज़्यादा प्रॉफिट कमा रहे हैं। उनके प्रॉफिट में कम क्यों नहीं किया जा रहा? गवर्नमेंट उनसे क्यों नहीं, उनके ऊपर क्यों नहीं दबाव बना रही? जो आम जनता है उसको मतलब पेट्रोल का क्योंकि यूज़ है ही, उसे करना ही करना है, तो किसी न किसी तरीके से उसको जो है बियर करना ही करना है। तो ये एक जनता के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर है। ये पर्सनली तो जी जेब पे तो असर पड़ ही रहा है। पहले मेरा जो स्कूटी में पेट्रोल फिल होता था वो 300-350 में हो जाता है, आज की रेट में 450-500 रुपये में 500 के आसपास पेट्रोल बढ़ता है। पेट्रोल पे तो कंट्रोल होना ही चाहिए। इससे काफ़ी पेट्रोल की कीमत बढ़ने से काफ़ी जो इफेक्ट पड़ता है, हर चीज़ महंगी हो रही है। जो दूध सब्जी जो ट्रांसपोर्टेशन है, जो बाहर से हमारा ट्रांसपोर्टेशन आता है, दिल्ली में आता है, सब्जियाँ आती हैं, दूध आता है, उस पर असर बहुत महंगी हो रही है पेट्रोल के रेट बढ़ने से। मतलब पेट्रोल के रेट बढ़ने से जो है हर चीज़ महंगी हो रही है, चाहे ट्रांसपोर्टेशन ले लो आप। अब आप ये देख लीजिए, स्कूल की कैब है। मैंने रिसेंटली अपने बच्चों के लिए स्कूल की कैब बुक करी, लास्ट ईयर जो मैंने बुक की थी उस टाइम वो 1000 रुपये देते थे पर मंथ, और आज की डेट में वो 2000 रुपये मांग रहे हैं। सीधा डबल का फ़र्क पड़ेगा पेट्रोल के रेट बढ़ने से। मेरे पॉकेट सीधा डबल रेट पड़ गया।